बेचारी जोई भागते हुए नूडल्स लेने जा रही थी कि तभी उसकी सैंडल टूट जाती है और उसके पैर में बहुत बुरी तरह से चोट लग जाती है। और जैसे ही उसकी हॉस्पिटल में आँख खुलती है और वो अपने सामने शिन को देखती है जो कि उसे बहुत ही घूर घूर के देख रहा होता है जैसे कि बस खा ही जाएगा। सोई तो ये सोचकर खुश हो रही होती है कि बॉस को उसकी चिंता है और शायद इसीलिए उसे हॉस्पिटल देखने आए हुए होंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। बेचारे हीरो की गलतफहमी 2 सेकंड में खत्म हो जाती है और हीरो उसे जल्दी डॉक्यूमेंट रेडी करके देने का बोल कर चला जाता है। बेचारी जोई परेशान होकर ऑफिस में बैठी होती है जहाँ उसकी मॉम की कॉल आती है और वो भी काफी परेशान हो चुकी थी क्योंकि वो जोई को शादी करने के लिए बार बार बोलती थी बट वो शादी कर ही नहीं रही थी। जहाँ तभी बॉस एकदम जोई के फेस के सामने आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि घर के बातें ऑफिस में मत किया करो। जहाँ मॉम को तो यही लगता है कि शायद दोनों किस कर रहे हैं और वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। बॉस मॉम को हाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं और मॉम जोई से कहती है कि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारा बॉस इतना ज्यादा हैंडसम है और तुम उसे डेट कर रही हो।